आपका क्या मामला है, कौन सी घटना आपके साथ थाने पे घटी थी? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का नगर अध्यक्ष महेश अग्रवाल हूँ। जब से वर्तमान समय थाना में विजमन जहाँ पदार्पण किए हैं वहीं से विजमन गंज, तब से ये थानेदार हमेशा मनमर्जी कतारी कर रहे हैं और दिनांक 19/3 को होली का दिन था और यहाँ पर यह जो है हमारे पूर्व प्रधान गणेश जायसवाल जी, पूर्व प्रधान दिनेश जी थाने पर गए थे। उन्होंने यशो से कहा कि भाई हमारे धारी ब्लॉक का एक ग्राम पंचायत है जो है रामपुर बसावा, वहाँ से संबंधित यह मैटर है और मेरे मैटर को सुन लीजिए। उन्होंने आ देखा न ताव देखा हमारे प्रधान जी को, अब शब्दों से गालिश नवाजा और गणेश प्रधान जी को अंदर करने को कहे और दिनेश प्रधान जी को गाली भी दिए, मारे भी। उस समय नितेश मिश्रा मौजूद थे, नितेश मिश्रा वो भी पत्रकार भी हैं और समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, वो भी मौजूद थे थाने पे। हम भी गेट के पास खड़े थे, हमने देखा कि हमारे प्रधान जी को मार रहे हैं, हमने छुड़ाने का प्रयास किया तो मुझे भी गाली दिए और दिनेश प्रधान जी को गाली भी दिए हैं, मारे भी हैं और जूतों से भी मारे हैं, और थप्पड़ की तो बात ही नहीं है, अंदर ले गए फिर भी मारे हैं। इसलिए मेरा सभी पत्रकार बंधुओं से, सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि ऐसे थानाध्यक्ष को जांच करके, शासन से मेरी मांग भी है जांच की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए सभी लोगों से, और CCTV फुटेज जो थाने की है उसमें यह बात करेक्ट है कि इन्होंने मारा है। अगर थाने की CCTV फुटेज जांच की जाएगी तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि प्रधान जी को मारा गया है, गालियां दी गई हैं। मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूँ कि निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। आज दिनांक को हम लोग SP महोदय महाराजगंज से अपने जिलाध्यक्ष महोदय के सानिध्य में मिले और SP महोदय ने कहा है कि निष्पक्ष जांच होगी, जांच एडिशनल SP को क्या है, अगर हमारी मांग 7 दिन के अंदर नहीं मानी जाती है तो हम ब्रिजमनगंज बाजार में धरना प्रदर्शन के साथ चक्का जाम करने दिवस होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।